Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. Right now I am at India's biggest and the best pet shop. Here is the Drogo Pets. And aaj Drogo Pets ke samne ek behad kamal ki super bike hai. Here is an amazing, stunning, classy Busa. So looks like ki ye Shayan sir ki hai because ye theek entrance pe khadi hai. So I think ki Shayan sir ki hai. To bane rahiye video ke ant tak. हम ज़रूर शयान सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे थोड़ा सा रेव करके दिखाइए. तो जिनको पता नहीं है, आई एम अ क्रेजी सुपर बाइक फ़ैन. तो आज हायाबुसा को देख के मेरा दिन बन गया. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे कितने मेरे तरह सुपर बाइक के दीवाने हैं. सो बने रहिए वीडियो के अंत तक. आज हम लोग शूट करने वाले हैं द मेजेस्टिक प्लैटिनम गार. Inside Drogo Pets और आज हम लोग finally shoot करने जा रहे हैं one of my favorite fish, one of my dream fish. Here is the majestic platinum gar. So देखिए क्या कमाल की beautiful creation है nature की ये खूबसूरत majestic platinum gar. मैं आपको बताना चाहूँगा पहले दिन first day when I stepped inside Drogo Pets एक instant attraction हुआ इस गार को देखकर. और ये गार को ऐसा लगता है कि देखते रहो जब भी मैं देखता हूँ. एंड हमेशा जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसके हमेशा बहुत आई प्लीजिंग विजुअल्स मुझे मिलते हैं. अभी भी देखिए किस तरह से एक ही जगह पर हमको स्टेयर कर रही है, आपको एकदम कमाल के आई प्लीजिंग विजुअल्स दे रही है. सो बने रहिए वीडियो के अंत तक. बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, शयान सर से जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी ढेर सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री, कीपिंग, फीडिंग. एंड इसका एक छोटा वर्जन भी है Drogo Pets में, वो भी हम आपको दिखाने वाले. सो बने रहिए, बेहद इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है. सो नाउ आई एम विद द विजनरी एंड गेम चेंजर. हियर इज द डायरेक्टर ऑफ Drogo Pets, मिस्टर शयान अशरफ. हाई शयान सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल. और जब भी मैं Drogo Pets में स्टेप इन करता हूँ, अंदर जाता हूँ, तो और ग्रेट फील मुझे महसूस होता है. सो सर, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया Drogo Pets का फिल्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाया, आपने इतने सुंदर ढंग से पूरे फिल्ट्रेशन सिस्टम को इतने इजी और आसान तरीके से समझाया. बहुत सारे लोग खुश हुए, पसंद किया उस कंटेंट को, अप्रिशिएटिंग कमेंट्स छोड़े. यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि YouTube इंडिया पर ऐसा ईजी फिल्ट्रेशन सिस्टम वीडियो इतने आसान से समझाया पहली बार किसी ने. तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए अचीवमेंट है सर. इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लोग Drogo Pets को दे रहे हैं, इवन आपकी सारी टीम को इतने पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे कि दे आर रियली कोऑपरेटिव, हेल्पिंग, सपोर्टिंग. तो मेरे ख्याल से दिस इज़ रियली एन अचीवमेंट टू Drogo Pets आपने जो हासिल की है. सो सर, आज फाइनली हम वीडियो बना रहे हैं. जो मेरी बहुत दिल से तमन्ना थी जिस दिन मैं Drogo Pets में आया, उस दिन से मेरी तमन्ना थी कि इस मेजेस्टिक प्लैटिनम गार के ऊपर वीडियो बनाओ. प्लैटिनम गार मेरे मुंह में नहीं आता है, मेरे मुंह में हमेशा ये शब्द आता है गार के आगे मेजेस्टिक, बिकॉज इट इज़ सो मेजेस्टिक, डिफरेंट, यूनिक. इससे पहले सर मैंने प्लैटिनम गार देखी थी, बट इतनी विशाल मैंने पहली बार Drogo Pets में देखी. एंड द वे यू हैव मेंटेन्ड इट, एंड मैं हमारे सारे व्यूवर्स को भी दिखाना चाहूँगा. आप देखिए कितनी बड़ी टैंक है, ना सिर्फ लेंथ में बल्कि हाइट और विड्थ भी इसकी बहुत बड़ी है. तो वाकई में Drogo Pets ने इसको बहुत बेहतरीन, अच्छे स्पेशियस टैंक में रखा है. सो सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ है बोलने के लिए इसके बारे में. अगेन मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो दे दिया. सो सर, ओवर टू यू, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, फर्स्टली अगेन इट्स ग्रेट हैविंग यू बैक एसजे, एंड आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड थिंग कि हम लोग सारे हॉबीज से कनेक्ट कर रहे हैं. एंड जो माइनर प्रॉब्लम्स है या मेजर प्रॉब्लम्स है उसको धीरे धीरे हम लोग एलिमिनेट कर दें. गार्स जो है वो आई हैव ऑलवेज लव्ड गार्स. मैंने हर टाइप की गार रखी है, एंड आई थिंक दे आर रियली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिश.
इसमें बेसिकली आप देखा जाए तो देर आर यू कैन से अबाउट 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट गार्ड्स जो कि डिफरेंट फैमिली में डिवाइडेड है, दो डिफरेंट फैमिली में डिवाइडेड है. लेपिस ऑस्टियस करके एक फैमिली है एंड दूसरी जो है वो अट्रैक्ट ऑस्टियस करके है. तो जैसे लेपिस ऑस्टियस में आपके स्पॉटेड आ जाते हैं, आपके लॉन्ग नोज, शॉर्ट नोज एज वेल एज आपका फ्लोरिडा गार उसमें आ जाता है, तो वो 4 वराइटीज़ उसमें चले जाते हैं. एंड जो आपका अट्रैक्ट ऑस्टियस है उसमें बेसिकली आपके जैसे यू विल गेट टू सी योर ट्रॉपिकल गार्स, क्यूबन गार्स एंड एलिगेटर गार. तो प्लैटिनम गार इज बेसिकली अ वेरी रेयर स्पेसिमेन ऑफ एलिगेटर गार. इसका साइंटिफिक नेम होता है अट्रैक्टोस्टियस स्पैचुला. स्पैचुला जैसे स्पैचुला जो यूज़ करते हैं, इसका स्नाउट आप देखेंगे तो थोड़ा स्पैचुला जैसा है, बट ऑफकोर्स इट्स एन एलिगेटर गार. इसका माउथ आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक एन एलिगेटर. ये आधी फिश लगती है, आधी एलिगेटर लगती है. इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब मैं पूरा दिन भी बोलूं तो ये कवर नहीं होगी. इट इज़ एन अमेजिंग स्पीसीज़ और ये प्री हिस्टोरिक स्पीसीज़ है. इसका जो फॉसिल है ये 200 मिलियन ईयर पहले का भी हमें मिला है. सो मतलब प्री डायनासोर ईरा भी, ये डायनासोर ईरा वीरा सब देख चुकी है, बट इट वॉज ऑलवेज सच अ परफेक्ट स्पेसिमिन. इतनी इवॉल्व थी कि इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग टूडे amongst us. So इसके cool features में again it is it can also surface breathe. तो ये ऊपर आके it uses its own swim bladder as lungs also. तो surface पे आके इसलिए इसका जब भी setup आप करें तो ऊपर आप थोड़ी सी space छोड़ें, atmospheric air ये ले सके. अगर आप पूरा close रखेंगे तो नहीं होगा. अभी यहाँ पर आप देखिएगा कि इससे और water level में कम से कम there is a gap of 3 inches. तो वो ऊपर आके अपना air breathe कर लेती है. अदर फीचर आप बात करेंगे तो जैसे इसका स्केल्स देखिए, दीज आर नॉट नॉर्मल स्केल्स. इसका जो स्केल होता है दैट इज़ मेड ऑफ समथिंग लाइक इनामिल, जो हमारे दांत का भी एक्सटीरियर थिनर लेयर होता है उस तरह का होता है. दीज आर डायमंड जैगेड स्केल्स, इसको गनोइड स्केल्स बोलते हैं. इट्स मोर ऑफ अ यू नो रेप्टिलियन स्केल देन अ फिश स्केल. एंड बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जॉटिक फिश होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं. And you know we want to house them, but at the same time वो बहुत delicate होते हैं. In terms of platinum gar, it is not a delicate fish. ये बहुत hardy, बहुत ही amazing fish है, बहुत rewarding fish है. अब rewarding मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका life span सब fish से बहुत अलग है. Like generally you're gonna look at you know normal fish life span 10 years, 15 years. ये ऐसी species है that can go up to 45-50 years. जी हाँ, 45-50 years, that's a very long time for a fish. And ये बहुत slowly grow होती है, beautifully grow होती है. First 10 years जो है वो उसको लगता है to reach its maturity. उसके बाद ही वो breed कर सकती है. Generally थोड़ा shallow vegetations में ये breed करते हैं. इसका geography बोलें तो mainly US में ही पाई जाती है. It has a very large range, brackish water में, different streams में, Mississippi में, Florida में, बहुत सारी जगह ये फैली हुई है. एलिगेटर गार स्पीसीज इन जनरल फैले हुए. प्लैटिनम गार जो है बहुत कम क्वांटिटीज़ में होती है, बहुत रेयर होती है, इसीलिए इसका जो प्राइस भी है बहुत ज़्यादा है. ग्लोबली इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इफ़ यू सी जापान में भी इसका बहुत ज़्यादा यू नो फैन फॉलोइंग है. बिकॉज एज यू कैन सी इट्स एन अमेजिंग फिश, बहुत रेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है. वी आर जस्ट लकी टू सी दिस फिश एवरी डे. मतलब इससे ज़्यादा ब्यूटिफुल आप क्या देखेंगे. इसका जो भी फिल्ट्रेशन लगता है, इसका जो भी डाइट लगता है, एंड इन जनरल जो बहुत सारे हॉबीस्ट मॉन्स्टर फिश कीपर्स हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आपको वो थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन करें. क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग सिर्फ पैलेट्स खिलाते हैं या कोई लिमिटेड फूड खिलाते हैं जिससे उसकी फुल ग्रोथ नहीं हो पाती है, कलर्स नहीं हो पाते हैं, फिल्ट्रेशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिससे वो यू नो बिफोर टाइम स्टंट हो जाती है या यू नो इट डजंट लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ. तो स्पेस पहले बढ़ा दीजिए, फिल्ट्रेशन अच्छा दीजिए, वाटर पैरामीटर्स अच्छा रखिए, एंड उसके बाद उसका फूड अच्छा रखिए. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इसका ड्यूरेबिलिटी, जैसा मैं बोला ये हार्डी फिश है तो टेम्परेचर भी ये काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, ये रह लेती है, इसको प्रॉब्लम नहीं है. एंड जहाँ पीएच की बात करें तो जैसे नॉर्मल फिश है, कुछ फिश है दैट लाइक अ लिटिल मोर एसिडिक, जो यू नो न्यूट्रल से कम हो, 7 से कम हो. सम लाइक अल्कलाइन, जैसे आपके सिकलेट विकलेट हैं तो वो 7.8 to 8.5 रफली दे लाइक. ये ऐसी फिश है कि इसको वाइड रेंज चल जाता है, 6 to 8 इट विल बी फाइन. तो ये एग्जॉटिक रेयर अमेजिंग बुलेट प्रूफ फिश है विथ अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन. आई डोंट सी व्हाई एनीवन वुड नॉट वांट टू बी अराउंड समथिंग लाइक दिस. ये इट इज़ अ ट्रीट फॉर द आइज. तो देखिए क्या गजब का अनोखा नज़ारा है इसका.
एंड नेचर ने वाकई में इसे बेहद अमेजिंग फीचर्स के साथ ब्लेस किया है। एंड मेरे हिसाब से ये जो प्लैटिनम गार है वो ड्रोगोपेच की शान है। देखिए क्या खूबसूरत दिखाई दे रही है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हम बताएंगे और किस तरह से आप इस प्लैटिनम गार को अगर रखना चाहते हो तो सक्सेसफुली राइट वे में किस तरह से इसकी कीपिंग कर सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे, राइट फ्रॉम टैंक साइज टू टैंक मेट्स टू फीडिंग टू फिल्ट्रेशन सब कुछ बताएंगे। ओवर टू यू शायान सर, क्या आप बताना चाहेंगे अगली बात? जी, इन टर्म्स ऑफ अभी फिश साइज हम लोग को समझना चाहिए, तो ये स्लो ग्रोइंग फिश है बट इट कैन ग्रो वेरी बिग। मैक्स कैपेसिटी पे आप देख रहे हैं कि इट कैन बी अबाउट 6 to 8 feet इन लेंथ, तो इसको ऑब्वियसली बहुत बड़ा टैंक लगता है। अभी दिस इज़ अबाउट 6.5 years ओल्ड, सो अभी इसको 3.5 साल लगेगा टू गेट टू मच्योरिटी, कंप्लीट मच्योरिटी। फिलहाल इसको जो टैंक दिया है विच इज़ अबाउट यू कैन से 3.5 foot by 8 feet, बट जैसे ही ये एक और फीट बढ़ेगी विद इन द नेक्स्ट ईयर वी विल मोस्टली बी रीहोमिंग इट इन अ लार्जर टैंक। एंड इसको जैसे एरवाना है एक ही जगह पे वो स्पिन करके टर्न कर सकती है, तो उसको ज़्यादा विथ की ज़रूरत नहीं है। दिस बीइंग अ हार्ड बॉडीड फिश मेक श्योर कि आपके टैंक की विथ ज़्यादा है, तो विथ ज़्यादा होगी तो वो आराम से टर्न कर सकती है, ऊपर थोड़ा गैप छोड़िएगा तो वो आराम से ब्रीथ कर सकती है। टैंक मेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली बीइंग अ मॉन्स्टर फिश आप इसको कोई बहुत डेलिकेट स्मॉल फिश के साथ नहीं रख सकते। जो भी फिश इसके माउथ में फिट आएगी वो सोचेगा कि उसको एक बार यू नो खाने की कोशिश करेगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग फिश है। जो फिश के साथ ये बड़ी होती है जनरली उसको वो कभी हार्म नहीं करती है, तो अगर आप स्टार्टिंग से एक मॉन्स्टर फिश कम्युनिटी टैंक बना रहे हैं इट्स अ ब्यूटीफुल फिश टू हैव। नाउ ये अगर आप देखेंगे फिश हम लोग जब भी रखते हैं तो दे हैव डिफरेंट लेयर्स जिधर रहती है, या तो वो बॉटम ड्वेलर होती है या मिड पे रहती है या इट्स अ सर्फेस फिश, तो ये जो है ये मीडियम से सर्फेस लेवल पे ही ज़्यादा घूमती रहती है। तो इन टर्म्स ऑफ टैंक मेट्स इसके साथ आप अलग टैंक मेट्स रख सकते हैं, यू नो लार्जर बाइशर्स रख सकते हैं या यू नो लार्जर वैरायटी के स्टिंगरेज यू कैन कीप। यू कैन कीप अ लॉट ऑफ लार्जर फिश, यू कैन कीप सम पाकूज ऑल्सो जो इसके साथ मतलब इतने बड़े हों डायमेंशन में कि ये इसको बाइट ना करे और खाने की सोचे भी ना। टैंक साइज़ की हमने अभी बात की थी, तो टैंक में जैसे अगेन अगर आप इसको रखना चाहते हैं फॉर ऑल इट्स लाइफ देन यू नीड एटलीस्ट अ 10 to 12 feet टैंक which is at least 3.5-4 feet wide. So that is if you want to house it for its entire life. And नहीं तो बहुत लोग क्या है इसका छोटा सा ponds भी set up करते हैं, and ponds में भी ये बहुत अच्छे से grow होती है, बहुत beautiful fish है ये। It is like half alligator, half fish and सब platinum में, and जैसे जैसे इसकी age बढ़ती है it gets even more beautiful and ये light reflect करती है तो इस पर जो ग्लो आती है वो और भी amazing है। ऊपर आप देखेंगे ना प्लैटिनम गार के हमेशा ऊपर एकदम स्लाइट ग्रीन टिंज आपको दिखेगा विच ऑल्सो एनहांसेस इट्स लुक। बहुत ही मतलब जो कैमरा कैन नॉट जस्टिफाई, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग इन पर्सन देख सकते हैं वो आके प्लीज़ एक बार देखें, बिकॉज दिस इज़ रियली समथिंग। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर्स हैव कम हियर एंड सेड ये नकली है ना, आई हैव हैड टू एक्सप्लेन इट टू देम कि नहीं ये असली फिश है, ये बहुत ही अमेजिंग अल्टीमेट बेस्ट मॉन्स्टर फिश, मोस्ट रेयर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और जो ग्लोबली जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो सर बहुत से लोग क्यूरियस है इस प्लैटिनम गार के टैंक का फिल्ट्रेशन सिस्टम जानने के लिए। आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने आपको पूछा था आपने बताया था कि दिस टैंक हैज़ अ अंडरग्राउंड सम फिल्ट्रेशन सिस्टम, एंड मेरे ख्याल से मैंने अंडरग्राउंड सम सिस्टम आज तक नहीं देखा है किधर भी, तो ये मेरे लिए भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। एंड व्यूअर्स आर क्यूरियस टू नो अबाउट द सम फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस गार का टैंक, क्या बताना चाहेंगे? जी श्योरली, आई मीन बहुत सारे लोग हैं जो मॉन्स्टर फिश रखना चाहते हैं बट उसका लेवल वो बहुत हाइट से शुरू नहीं करना चाहते, दे वॉन्टेड टू स्टार्ट नीचे से। तो अगर जैसा जिसका बंगलो है या यू नो कॉटेज है या दे हैव द एबिलिटी कि वो ग्राउंड में थोड़ा डिग कर सकें तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव कि यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फिल्ट्रेशन प्लस यू आर गेटिंग सच एन इमेंस यू नो बिग साइज टैंक सेटअप। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे इसका ये पूरा नीचे का फसाद है, दिस ओपन्स अप कम्प्लीटली
एंड आई जस्ट शो यू द बेसिक सेटअप ऑफ द फिल्ट्रेशन और हमने ऐसा क्यों किया है एंड हाउ दिस इज अ बेनिफिशियल सेटअप फॉर बेसिक मॉन्स्टर फिश. ऑलराइट, सो ये रहा अंडरग्राउंड सम फिल्ट्रेशन सिस्टम. ये देखिए क्या सिस्टमैटिकली अरेंज किया है इन्होंने. आई विल गो लिटिल क्लोजर ताकि आपको पता चले. तो शयान सर, इस यूनिक और डिफरेंट सम फिल्ट्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे. फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग एन अंडरग्राउंड सम फिल्ट्रेशन सिस्टम. श्योर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है कि जो टैंक का पानी है वो नीचे जाएगा, सम के डिफरेंट मीडिया से होते हुए ये वापस सर्कुलेट होके वापस इसी में आएगा. नाउ इसको कैसे करते हैं बिगर टैंक्स में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवरफ्लो बॉक्स बना हुआ है जिसमें ऑलरेडी अंदर एक होल है. तो ये लेवल पे पानी इज़ गोइंग बैक इन, तो ये इसके थ्रू होते हुए नीचे जा रहा है. यू विल सी ये यहाँ पे फिल्टर सॉक्स में आ रहा है. तो यहाँ पे आपको फ्लो रेट दिख रहा है. अभी फिल्टर सॉक्स वाले चेंबर में ही इफ़ यू कैन सी यू कैन ऑल्सो ऐड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ यू नो फ्लोटिंग मीडिया, जो जैसा हमने लास्ट टाइम बात किया था K1, K5, K9, वो भी आप डाल सकते हैं. यहाँ पे हीटर्स भी हैं. तो सम्स में ये फ़ायदा है कि फिर आपको टैंक में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, एवरीथिंग गोज इन द सम. तो टैंक स्टेज क्लीन, एकदम क्लियर. यहाँ पे फिर जैसे देखिएगा मेन डेब्री कलेक्ट हो रहा है फिल्टर सॉक्स में, फिर जा रहा है नीचे से. तो नीचे से जो जा रहा है तो यहाँ पे स्पंज कलेक्शन है. तो वहाँ पे पूरा स्पंज के थ्रू होते हुए इट इज़ गोइंग ऑन द सिरामिक रिंग्स. सिरामिक रिंग्स में गुड बैक्टीरिया है, फिर यहाँ से ओवरफ्लो होके जा रहा है ये बायो होम में. बायो होम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्टर मीडिया है ये, बहुत पावरफुल मीडिया है फॉर इट्स साइज. अगेन लेयर्स ऑफ स्पंज आ जाए, देन ये सेक्शन में आप देखेंगे आपके जियोलाइट एमो चिप्स हैं. ये बेसिकली अमोनिया बफर का काम करते हैं. तो जो भी फिश को यू नो यू वांट टू कीप अमोनिया लेवल्स लो, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. तो इसके बाद अगेन आप देखेंगे तो आगे जाके आपके एक्वा क्ले बॉल्स हैं, पोरस बॉल्स हैं, और भी अलग क्ले सिरेमिक रिंग्स हैं. यहाँ से फिर आप देखेंगे लास्ट स्टेज में भी हमने थोड़ा स्पंज ऐड किया. ना नॉर्मली मैकेनिकल फिल्ट्रेशन जो स्पंज का होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग में लोग डालते हैं, बट ऐसे टैंक्स में हम लोग जनरली एंड में भी थोड़ा डालते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने कार्बन रखा हुआ है. नाउ एवरी टाइम वी आर मेडिकेटिंग वी विल रिमूव द कार्बन, एंड इफ़ वी आर नॉट मेडिकेटिंग ऑल्सो या जैसे भी आप इसको कार्बन को जब भी हटाएंगे तो कार्बन लीव्स अ रेसिड्यू. तो वो बैक सक्शन ना हो सिस्टम में वापस ना पहले, तो दिस स्पंज एब्जॉर्ब्स इट. जब ये स्पंज क्लियर करते हैं तो वो भी साथ में वॉश हो जाता है. तो इट्स अ सेफ मैकेनिज्म, फेल सेफ मैकेनिज्म. फिर फाइनल स्टेज पे आके आप देख सकते हैं कि इट पंप्स द वाटर अगेन ऑल द वे बैक इनटू द टैंक. अब टैंक में देखेगा तो ये जो है वहाँ से पाइप घूम के जाके ये ऊपर जो एंगल किया हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ वेव मेकर इन अ वे. तो ये घूम के पानी को पुश कर रहा है. सो सेम वाटर इज बींग सर्क्यूलेटेड. तो इसको जो हैवी फीडिंग होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो मुझे लास्ट टाइम भी जब हम लोग बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन का, आई थिंक एक पॉइंट रह गया था कि कैसे गुड बैक्टीरिया ऐड करते हैं. सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, जैसे इवन API का क्विक स्टार्ट आता है. सो दिस इज़ बेसिकली अगेन लाइव नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. बहुत कंपनीज के आते हैं, बहुत लोग घर पर इसको खुद से भी बनाते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक, बट अगेन गुड बैक्टीरिया इसमें ग्रो होगा जितना उतना आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम बेटर फंक्शन करेगा, आपकी जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत अच्छे से रहेगी. एंड अगेन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी जैसा पंप्स जो होते हैं जो वापस पंप बैक करते हैं, तो जनरली क्या होता है जो बैलेंस आपको करना है इसका, वाटर जो नीचे जा रहा है और वो वाटर वापस ऊपर आ रहा है, जो फ्लो रेट है, अगर वाटर नीचे ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और ऊपर स्लो आ रहा है तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, या उल्टा होगा तो ये ड्राई हो जाएगा एंड वो पंप यू नो विल गेट बर्नड फास्टर, इवन इफ इट्स अ ड्राई वेट ड्राई पंप एम्फीबियस पंप. तो वो थोड़ा इश्यूज होते हैं. सो ऑलवेज ट्राई गेटिंग प्रोग्रामेबल पंप. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं जिससे आप फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं. वाल्व्स डालिए आप प्लम्बिंग में, दैट इज़ गुड, बट पूरा दिन आप बैठ के तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. बेस्ट थिंग विल बी टू गेट अ प्रोग्रामेबल वन. उसमें आप फ्लो रेट बढ़ा सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं जब तक वो मैच ना कर जाए इसको. सो अगेन 4 times द वाटर वॉल्यूम, इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो 4 एक घंटे में इसके थ्रू साइकिल हो रहा है. So that is the basic filtration requirement for any tank, I would say. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्लो रेट को आप कितने आसानी से अप डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. ये देखिए जैसे कि अब जैसे मुझे इसे कम करना है सो ये कम हो गया. अब अगर मुझे इसे बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो मैंने सिंपली ये बटन प्रेस करके इंक्रीज़ कर दिया. सो इट इज़ सो ईजी.
तो सर अब हम बात करने वाले हैं फीडिंग के बारे में, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो मैं खुद मॉन्स्टर फिश कीपर हूँ एंड फीडिंग के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आज की डेट में भी हमारे बहुत सारे हॉबीस्ट क्या सही खाना है वो जानते नहीं है. उनके फिशेस के लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट लोग जानते नहीं है कि क्या ये राइट खाना बन सकता है. तो दे आर कन्फ्यूज्ड. एंड आपके जैसे कि राइट साइड में वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी ब्रांड शिकारी के जंबो कार्निस्टिक्स है, जो मैं मेरे जाइंट सेलर अरवानास को खिलाते आया हूँ. मेरे हिसाब से द बेस्ट फूड फॉर अरवानास एंड मॉन्स्टर फिशेस. बट सर ये बताइए कि क्या इन सब पैकेज्ड फूड के अलावा भी ऐसे कोई फूड है जो हम हमारे मॉन्स्टर फिश को दे सकते हैं, उन फूड से उनकी ग्रोथ अच्छे से करा सकते हैं, उन्हें सारे न्यूट्रिशंस दिला सकते हैं. मेरे ख्याल से आज तक मैंने ये सवाल ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नहीं पूछा, तो आप पहले रहेंगे जो हमें संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे. ओवर टू यू सर, फीडिंग के बारे में. श्योर. तो जैसे कोई भी एनिमल हो, कोई भी स्पीसीज हो, उसको ग्रोथ के लिए इट हैज़ अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू नो प्रोटीन वर्सेस गुड कार्ब्स वर्सेस फाइबर वर्सेस, तो काफ़ी चीज़ें उनको लगती है. तो जो बेस्ट तरीका है जो भी स्पीसीज हो, इज टू रेप्लिकेट जो उसको नेचर में मिलता हो, राइट. सो जैसे ये है मैसिवो डिलाइट है, जंबो कार्निस्टिक है, ये सारे ब्रांड्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन, इट्स ग्रेट फैंटास्टिक. बट ये इसे हमें कहते हैं ड्राई फीड. ड्राई फीड भी जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी स्टोर देम इन एयर टाइट बॉक्सेस, तो वो सॉगी नहीं होते, काफ़ी टाइम तक आप इसको सेव करके रख सकते हैं घर पे. ये इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव, मतलब छोटे छोटे एयर टाइट कंटेनर्स में भी रखेंगे तो जो आप बार बार खोल रहे हैं वो अगर सॉगी हो गया तो बाकी भी सेफ रहेंगे. तो यू नो एटलीस्ट एयर टाइट कंटेनर्स में देल बी अलॉट मोर क्रिस्प, उसका टेक्स्चर अच्छा रहेगा, ज़्यादा पाउडरी नहीं होगा. दैट्स अ सिंपल वे ऑफ कीपिंग इट. तो ये ब्रांड फेमस है ऑब्वियसली फॉर योर मॉन्स्टर फिश, बट उनको बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं. नाउ लोग बोलते हैं उसको चिकन दो, ये दो, वो दो, इसका लिवर दो, उसका ये खाएगा वो, बट विल इट बी एबल टू डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज दैट प्रॉपरली. तो वो समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचर में क्या वो चिकन मटन उसको मिलता है, नहीं मिलता है. सो अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल. फिश मिलता है उसको, येस. श्रिम्स मिलते हैं, येस. क्रस्टेशियंस कुछ मिलते हैं, येस. जो उसको नेचुरली मिलता है आप उसको रेप्लिकेट कीजिए. उससे क्या है, उसका कलर भी इन्हांस होता है, उसको मीटी चंक्स मिलता है, उसका ग्रोथ बढ़ता है. इसमें अच्छा है, इट्स अमेजिंग. बट जो एक्चुअल ग्रोथ है वो आपको एक कॉम्बिनेशन से ड्राई एंड वेट में बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. तो आई वुड लाइक टू शो ऑल द मॉन्स्टर फिश कीपर्स, आप ऑलरेडी शायद जानते हो या जो नहीं जानते हो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली इंडिया में कौन सी फिश देनी चाहिए, उसको क्या बुलाते हैं, कैसे आप उसको खिला सकते हैं, इस पर कोई आज तक आई डोंट थिंक डिटेल में बात करता है. इट्स मोर ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट या आप जो भी कहिए, बट आई वुड लाइक ऑल द हॉबीज, ऑल द पीपल जो रखना चाहते हैं अच्छे से, फिश को केयर करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है. एंड इट शुड नॉट बी अ ट्रेड सीक्रेट, ताकि अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे तभी फिश की ग्रोथ होगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, हॉबी प्रॉपर वे में बढ़ेगी. सो आई विल जस्ट शो यू क्विकली, ये ड्राई फूड है. आई शो यू सम वेट फूड ऑप्शंस. तो यहाँ आप देखेंगे, डाउन हियर वी हैव गॉट सम, जैसे आपके फ्रेश वाटर प्रॉन्स हो गए, तो आप ये इनको खिला सकते हैं, ये बहुत कूल है. आपके मरीन प्रॉन्स भी हो गए, सॉल्ट वाटर प्रॉन्स. फिर ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोग ज़्यादा समझते नहीं है, बट जो लोग खुद भी खाते होंगे, इसको मांडेली बोलते हैं. ऑब्वियसली इसको हमने थोड़ा क्लीन करके रखा है. दिस इज़ बेसिकली वॉट यू कॉल एंचोवीज, जो कि बहुत सारे लोग टॉपिंग्स में भी यूज़ करते हैं फॉर पिज्जाज एंड ऑल. बट दिस इज़ एन अमेजिंग सोर्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉन्स्टर फिश लव इट. ये एक ट्रेड सीक्रेट है, बट इट इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग न्यूट्रिशनल फूड फॉर देम. मांडेली रेड कलर की छोटी फिश होती है, बहुत ही अमेजिंग फिश है, कभी ट्राई कीजिएगा. इसको सिर्फ आपको क्लीन करना है, इसके आप क्यूब्स भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिश का माउथ का साइज़, आप उसको उस हिसाब से बना सकते हैं. फिर अभी यहाँ आप देखेंगे तो दिस इज़ बॉम्बे डक, जो आपकी बोम्बिल कहते हैं, जो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, तो बहुत लोग को पसंद है. इसके भी आप ये पूरे फिश के भी आप क्यूब्स काट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिश का माउथ. अब गार्स जो हैं उनको थोड़ा लंबे स्ट्रिप्स पसंद आते हैं, बिकॉज दे कैन बाइट एंड चॉम्प एंड ईट इट प्रॉपरली. तो आपको हम लोग अभी इसका फीडिंग का भी वीडियो दिखाएंगे और समझाएंगे डिफरेंस बिटवीन वेट एंड ड्राई. ऑलराइट शायान सर, सो फर्स्ट टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने वीडियो के थ्रू एक जो नेचुरल फूड होता है जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, न्यूट्रिशनल होगा, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन टू शेयर दिस ट्रेड सीक्रेट विद अस एंड दिस वुड रियली हेल्प अ लॉट ऑफ हॉबीस्ट.
जिनको पता नहीं है एंड जो फ्यूचर मॉन्स्टर फिश कीपर्स जो बनना चाहते हैं, इसके बाद आई थिंक वो और सक्सेसफुली और अच्छे से अपने फिश को हेल्दी खाना दे पाएंगे. यस sure. मुझे ये भी कहना था कि ये जैसा आप लाते हैं ये आपको कोई भी फिश मार्केट में मिल जाएगा. इसको छोटे छोटे पीसेस में आप काट के या क्यूब्स बना के इसको आप एयरटाइट कंटेनर में ही, जैसे टपरवेयर का आता है वैसे में आप अलग अलग करके इसको आप फ्रीज़र में डाल सकते हैं. आपको जितने की ज़रूरत है उतना निकाल के उसको ब्रेक करके थॉ करके, थॉ करना मतलब उसको नॉर्मल पानी या लूपवॉर्म वाटर में छोड़ देना, वो जब एकदम थॉ हो जाए उसको फिर खिला देना. तो जितनी की आपको ज़रूरत है उतना ही आप फीड कीजिए. बट एक टाइम में आप बहुत सारा अपने डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं. सो इवन अगर जैसे अभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी भी कुछ भी अनाउंस हो जाता है, सो ऑल द हॉबीज शुड हैव दैट ऑप्शन कि वो पहले से थोड़ा सेफ वे में इसको रख सकें, सो दैट द फिश डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट कि अगर शॉप्स बंद है या कुछ है तो उनको कोई चीज़ की कमी नहीं हो. दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ योर मॉन्स्टर फिश, जो इवन रेडटेल कैटफिश रखते हैं या बाइशेज रखते हैं या यू नो एनी अदर एग्जॉटिक गार्स रखते हैं, अरवानास के लिए भी बहुत अच्छा. जो भी मॉन्स्टर फिश हैं दैट इन्जॉयज ईटिंग यू नो अदर फिश बेस्ड प्रोटीन, उनके लिए आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विथ ड्राई फूड इज़ द अल्टीमेट एंड बेस्ट वे टू गो अहेड. ऑसम. तो हमने इस मेजेस्टिक गार के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए. अब बारी आती है इसे फीडिंग करके दिखाने की एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग इस पार्ट को देखने के लिए क्यूरियस और एक्साइटेड हो. सो दिखाने से पहले मैं आपको ये सारे वेट फीड दिखा देता हूँ. ये देखिए किस तरह से अच्छे से एकदम इनको बारीकी से चॉप किया गया है. यहाँ पे है बॉम्बे डक, देन प्रॉन्स, देन एंचोवी. सो अब हम देखेंगे फाइनली इनकी फीडिंग और शयान सर हमको कुछ बताएंगे. जी बेसिकली मॉन्स्टर फिश टैंक में आप देखेंगे तो जब भी हम लोग कुछ वेट फीड देते हैं तो इट शुड नॉट स्टे इन द वाटर टू लॉन्ग. जितना देर वो रहेगा नाइट्रेट्स विल स्पाइक अप, तो जितना जल्दी वो खा ले वो बेटर है. तो आप इसको टॉन्ग फीड कर सकते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको खा लेगा तो पानी में कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी. जी अगर कुछ रह जाए तो उसको विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ही आप उसको नेटिंग करके निकाल लीजिए ताकि सम्प में आपका ज़्यादा लोड नहीं पड़े. सो दैट इज़ बेसिकली मोर और लेस द थिंग. बाकी उसके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है उसको क्या पसंद है. ओवर फीडिंग कोई भी फिश के लिए इज़ नॉट गुड, चाहे वो मॉन्स्टर फिश हो या कोई भी फिश हो. सो उसके बॉडी वेट के हिसाब से, उसके ग्रोथ रेट के हिसाब से आप उसको फीडिंग दीजिए. जब तक वो रेडिली एक्सेप्ट कर रहा है तब तक ही फीडिंग दीजिए. ऑलराइट, सो कैन वी वॉच द फीडिंग नाउ? या आकाश विल शो द फीडिंग. श्योर. ऑलराइट शयान सर, वंस अगेन अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर. बड़ी संक्षेप रूप में आपने विस्तार में बहुत सारी जानकारी प्लैटिनम गार के बारे में बताई. मेरे ख्याल से आज तक मैं इतनी इन्फॉर्मेशन गार के बारे में खुद नहीं जानी थी, आपके थ्रू जानने को मिली. एंड आई होप कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हो है वो जो जानकारी पाकर वाकई में गार अगर उनकी रखने की इच्छा है तो सक्सेसफुली रख पाएंगे. लास्ट सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आया होगा, आई एम श्योर मेजॉरिटी के लोगों के मन में आया होगा कि इस खूबसूरत मेजेस्टिक प्लैटिनम गार की क्या प्राइस होगी, क्या कीमत होगी, क्या दाम होगी. मेरे ख्याल से तो ये प्राइसलेस है, इसे हमें दाम में नहीं तोलना चाहिए. बिकॉज जिस तरह से ये फ़िश है, इट्स वन ऑफ माई ड्रीम फिश, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ़िश. तो ठीक है, अगर बहुत से ऐसे लोगों को ऐसा लगता है प्राइस के बारे में तो आप शयान सर से कांटेक्ट कीजिए. एंड इवन सर, बहुत सारे सेलर्स ने, बहुत सारे शॉप ओनर्स से मुझे पूछा था इसके बारे में कि इज़ इट अवेलेबल फॉर सेल, क्या प्राइस है इसकी. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैन यू टेल अस इसके बारे में कुछ, जो भी आप बताना चाहें. श्योर. आई नो ये बहुत लोग को चाहिए. ये जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन है ये एक तरह से हमारा ब्रांड एम्बेसडर है. दिस वन इज़ नॉट फॉर सेल. एंड जनरली भी मैं इनक्रेज करूँगा जो भी रखना चाहते हैं वो स्मॉल साइज से रखें, उसको ग्रो होते हुए देखें. दैट इज़ द ट्रू ब्यूटी ऑफ हैविंग दिस एज अ पेट.
स्मॉल साइज से बड़े साइज, एंड स्मॉल आई डोंट मीन कि 5 इंच का बहुत स्मॉल, क्योंकि वो फ्रेजाइल होते हैं बहुत छोटे में. तो हम लोग भी जो व्हेन वी गेट प्लैटिनम गाज और एनीथिंग, उसको बड़ा करके ही 10-12 इंच होता है तभी वी सेल इट. तो जो भी एग्जॉटिक यू नो मॉन्स्टर फिश रखना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, दे कैन विजिट अस. तो वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कलेक्शन. इनफैक्ट आपने गार प्लैटिनम गार की बात की, सो आई वुड लाइक टू शो, वी ऑलरेडी हैव अ ब्यूटिफुल बेबी प्लैटिनम गार. तो अभी फिलहाल इट्स शोइंग इट्स बैक, बट अभी देखिए घूम जाएगा. Oh wow, beautiful. And this is a beautiful platinum gar. और ये करीब होगी अराउंड 10-11 inches की. Okay. ये आपको पड़ जाएगी रफली अराउंड 50K. Amazing. मैं पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिंगल पीस है. तो प्लीज मतलब इट्स अ वेरी रेयर एग्जॉटिक स्पीसीज. आप इसका ऑनलाइन भी देखेंगे अगर कॉस्टिंग इवन ग्लोबली, तो जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम $2,000. सो आई थिंक जो हमारी प्राइसिंग है बहुत ही अच्छी है. Yes, fair price है मेरे हिसाब से भी, because ये fish बहुत रेयर है, बहुत एग्जॉटिक है. सो उसके हिसाब से ये प्राइस मेरे ख्याल से तो फेयर है. सो अब हम देखेंगे इस छोटे प्लैटिनम गार की फीडिंग. सो यू कैन एक्चुअली लुक एट दोस शार्प पॉइंटेड टीथ जब ये अपना जॉ खोलती है. एंड इसके अलावा भी आपके पास सर बहुत सारे मॉन्स्टर फिश है राइट आए हुए हैं. जो रेयर एग्जॉटिक्स रखना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइग्रिनस कैटफिश. तो ये भी बहुत रेयर कीपिंग के लिए है, अगेन काफी एग्जॉटिक फिश है. यहाँ पे आप देखेंगे आपके सारे जो बाइशर्स हैं ये भी हमारे पास हैं, बड़े साइज में भी हैं, छोटे साइज में भी हैं. यहाँ पे दूसरे रेड गार्ड्स हैं हमारे पास, इफ यू कैन सी. हमारे पास फायर रेड ईल है जो इसके अंदर है यहाँ पे. ओके. फिर यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पिरानाज हैं हमारे पास. देन यू कैन सी वी ऑल्सो हैव आवर अफ्रीकन मार्बल्ड रेटिकुलेटेड नाइफ फिश. ये बहुत ही अमेजिंग मॉन्स्टर फिश है ये भी. देन ऑब्वियसली मॉन्स्टर फिश की बात करें और पयारा की बात ना करें. वाओ. सो वी हैव दिस, दिस इज पयारा, इसे वैम्पायर फिश भी कहते हैं. अगेन इफ यू वॉच रिवर मॉन्स्टर्स आप ने इसका भी एक एपिसोड देखा होगा. आई कैन श्योरली शो यू अनदर, यू नो वी कैन डिस्कस दिस इन डिटेल एक स्पीसीज के बारे में धीरे धीरे, बट अगेन अमेजिंग अमेजिंग मॉन्स्टर फिश. तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, मॉन्स्टर फिश हो या नॉर्मल सिकलेट्स हो या प्लांटेड टैंक्स के लिए टेट्रा वराइटीज़ हो, हमारे पास मोर ओर लेस मोस्ट ऑफ द कलेक्शन इज अवेलेबल एट रोगो पेट्स एट द बेस्ट रेट्स एंड प्री कंडीशन, पैरासाइट फ्री, quarantined, in good health. जी. वंस अगेन शायान सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन. मैं जैसे कि हर एक वीडियो में बोलते आया हूँ कि एवरी टाइम जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो तो बनता है बट मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है आपसे, नया सीखने को मिलता है. सो हमारे सारे व्यूवर्स की तरफ से थैंक यू सो मच. एंड पीपल लव वॉचिंग योर वीडियोज़, दे से कि अगेन एंड अगेन कि डोगो पेज की वीडियो बनाइए, कुछ नया बनाइए, ये बनाइए, उसकी बनाइए. तो हर एक वीडियो देखने के बाद भी दे आर इंटरेस्टेड, दे आर क्यूरियस टू वॉच मोर, टू नो मोर. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. और एंडिंग करने से पहले सर, जब मैं आया ड्रोगो पेट्स में, आज की बात कर रहा हूँ, तब मैंने बेहद कमाल की सुपर बाइक देखी एंड मुझे पता चला कि आपकी आई एम अ क्रेजी सुपर बाइक फ़ैन. तो मेरे तरह बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स भी सुपर बाइक फ़ैन्स रहेंगे, मेरे तरह सुपर बाइक दीवाने होंगे. सो यू हैव गॉट अ अमेजिंग हायाबूसा. सो बहुत टाइम के बाद मैंने देखी और मेरे अंदर का जो सुपर बाइक फ़ैन है वो जाग उठा है आज उसको देख के. तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक बाइक फ़ैन से दूसरे बाइक फ़ैन से रिक्वेस्ट है कि क्या प्लीज़ हमें आपकी हायाबूसा को रेव करके दिखाओगे हमारे सारे व्यूवर्स? डेफिनेटली वो करेंगे. मैं हमेशा से बाइकिंग में रहा हूँ, अभी ना बिग फ़ैन, मेरे पास कुछ और बाइक्स भी हैं. कभी दिखाऊंगा आपके फैंस को. आई डोंट नो कितने हॉबीज को इसमें इंटरेस्ट है, जिनको वो एक बार एसजे के वीडियो पे प्लीज कमेंट करें ताकि वी शुड आल्सो नो कि बाकी और क्या क्या हॉबीज है लोगों के पास. बट डेफिनेटली वो बाइक को हम एक बार स्टार्ट करके उसका एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाता हूँ. जी जी जरूर. तो मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये देखने के बाद क्लिप, अगर आप है एक बाइक फैन, अगर आपको और शायान सर की बाइक का कलेक्शन देखना है, तो प्लीज़
लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हम एक थोड़ा सा सेपरेट वीडियो आउट ऑफ द टॉपिक बनाएंगे सिर्फ आप लोगों के लिए जो मेरे तरह बाइक के फैंस हैं. सो नाउ हियर इज द क्लासी सुजुकी हायाबुसा. लुक एट दैट, स्टनिंग, टोटली स्टनिंग. So here is Shayan sir with a super bike, the Hayabusa. तो शायान सर कुछ बताना चाहेंगे आपके इस खूबसूरत अमेजिंग सुपर बाइक के बारे में. या ये मेरी 2018 की Hayabusa है. दिस वॉज आई बिलीव वन ऑफ द फर्स्ट Hayabusa 2018 मॉडल जो इंडिया में आई थी. रेड एंड ब्लैक में है. दिस इज 1340 cc. बहुत ही कूल, बहुत ही अमेजिंग बाइक है. ऑब्वियसली बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे. बट वंस अगेन ये मैं दिखा रहा हूँ आपको. बट अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि आप हमेशा यू हैव योर सेफ्टी गेयर ऑन. हेलमेट्स, बूट्स, सब कुछ मेरे पास सब कुछ है. आई डोंट राइड विदाउट माई एंटायर गेयर. वो मैं आपको बाद में भी दिखा सकता हूँ. बट अभी जस्ट आपको मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाने के लिए नीचे आया हूँ. तो उसका एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो अभी मैं एग्जॉस्ट नोट बाइक का सुनाने वाला हूँ. बट अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप कहीं पर ज़्यादा इसको रेव कीजिए जनरली. एंड जो लोग को ज़्यादा साउंड पसंद नहीं है वो इसको मतलब दे कैन स्किप टू द एंड नाउ. जिनको सुनना है एग्जॉस्ट नोट उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रेव कर रहा हूँ. फुल रेव नहीं करूँगा बट यू कैन गेट एन आइडिया बेसिकली. All right, sir. See you again next time soon. Take care. Thanks. Yeah.